हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आर्ट चैनल अमित आर्टवर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वाटर कलर के बारे में। तो पहले वीडियो में मैं दिखाया था फ्लैट वॉश क्या होता है, तो आज मैं दिखाऊंगा ग्रेडेड वॉश क्या होता है। तो अगर हम जो वैल्यू स्टडी करते हैं, जिधर डार्क से लेकर लाइट टोन तक जो हम एक ट्रांजिशन करते हैं, तो वैसे ही अगर हम वाटर कलर में किसी कलर को जो डार्क से लेके लाइट टोन तक ट्रांजिशन हम करेंगे, तो उसको ही हम ग्रेडेड वॉश कहते हैं। तो ग्रेडेड वॉश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ग्रेडेड वॉश में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका ही कुछ आज डेमो देखेंगे एंड कैसे ग्रेडेड वॉश किया जाता है, तो वो हम आज सीखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पेपर को थोड़ा सा वर्टिकली पोजीशन में टेप से मदद से चिपका लिया है। तो मैं दिखाऊंगा ग्रेडेड वॉश क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक कलर ले रहा हूँ, कोई भी कलर आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो मैं पहले ग्रीन कलर ले रहा हूँ। इसमें पहले मैं कलर की मात्रा ज़्यादा रख रहा हूँ, ठीक है। तो कलर को मिक्स कर लिया। तो अब पहले मैं कलर को ज़्यादातर मात्रा में ऐसे मिला रहा हूँ। अब मैं ब्रश को पूरी तरह से क्लीन कर ले एंड देन पानी के मदद से थोड़ा सा ऐसे कलर को नीचे आने दे ऐसे। ऐसे रखने की वजह से देखो कलर में जो ट्रांजिशन बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे करके आप वाटर कलर में प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रोफेशनल अगर जाते हो तो तभी देखोगे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि इसके मदद से जो पानी जो नीचे आता है उसमें जो इफ़ेक्ट मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। तो ऐसे देखो ग्रेडेड वॉश में हम क्या किया है, इधर डार्क कलर की जो डार्क है उधर मैं पहले लगाया हूँ एंड धीरे धीरे जो लाइट टोन की ओर जा रहा है एंड वाइट हो गया है, इसको ही कहते हैं ग्रेडेड वॉश, ठीक है। तो इधर हो गया है कलर का जो डार्क एरिया, डार्क, ठीक है। एंड इधर आ गया मिडिल एरिया एंड इधर आ गया लाइट एरिया, ठीक है, लाइट एरिया। तो ऐसे जो ट्रांजिशन है कलर का, ठीक है, तो इसको ही कहते हैं ग्रेडेड वॉश, जिसमें आपको ट्रांजिशन मिलेगा। तो इसके मदद से कैसे हम एक वर्क कर सकते हैं, तो हम इधर एक डेमो दिखाएंगे। तो चलो वैसे ही करना है। तो मैं सबसे पहले कलर को ले रहा हूँ, तो मैं अभी कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ। अब कोई भी कलर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो कोशिश करना डार्क कलर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि डार्क कलर में आपको जो ट्रांजिशन है वो अच्छे से दिखता है। अगर आप येलो जैसा लाइट कलर इस्तेमाल करोगे तो ट्रांजिशन में देखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने कलर ले लिया है, अब ग्रेडेड वॉश करेंगे इधर। तो इधर मैं कुछ डेमो दिखाएंगे कैसे हम ग्रेडेड वॉश को इस्तेमाल करके कुछ पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको पहले ड्राई होने दे, ठीक है। पेपर ड्राई हो चुका है, तो अब हम कुछ दिखाएंगे इसमें।
ड्राई वॉश, वेट एंड वेट वॉश, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्लैट वॉश एंड वेट ग्रेड वॉश की आप प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।